हेलो फ्रेंड्स, मैं रहीम, मजेस्टिक होम में आप सभी का स्वागत है। आज जो आपके लिए फ्लैट लेकर आया हूँ, बिल्कुल रेडी टू मूव फ्लैट्स है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये फ्लैट रहने वाला है। गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही शानदार तरीके से ये पूरा फ्लैट डिज़ाइन किया है। वीडियो आप पूरी एंड तक ज़रूर देखना। और बहुत ही कम बजट के अंदर ये फ्लैट लेकर आया हूँ। अप टू 90% तक इसमें आपको मैं लोन करा के दूंगा। सिर्फ एक छोटा सा बुकिंग अमाउंट आप लेकर आ जाओ और बाकी का जो रेस्ट रह जाएगा वो आफ्टर सेंक्शन जो भी आपका रिमेनिंग रह जाएगा वो आप पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ छोटा सा बुकिंग अमाउंट 21,000 रुपये आप लेकर आओ, अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर आओ और इस फ्लैट की चाबी आप साथ लेकर जाओ। मोहन गार्डन की ये लोकेशन रहने वाली है, विद लिफ्ट कार पार्किंग का ये फ्लैट रहने वाला है और बहुत ही स्पेसियस और बहुत ही अच्छा एलिवेशन फ्रंट का रहेगा हमारा बिल्डिंग का। आपका कॉमन एरिया, आपके लिफ्ट, कार पार्किंग, सब कुछ फैसिलिटी इसमें आपको अच्छी दी जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं फ्लैट का ओवरव्यू। तो गाइस, ये एंटर हो चुका हूँ मैं अभी अपने फ्लैट के अंदर, जो कि अभी आपको स्टार्टिंग में बताया 2 BHK का हमारा फ्लैट रहेगा। ये हमारा एंट्रेंस रहेगा, स्टार्टिंग में ही आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा वुडन डोर रहेगा, दोनों साइड में आपको इसमें माइका मिलेगी और सेफ्टी के लिए यहाँ पे हम एक आयरन डोर भी आपको ये दे रहे हैं लगा के। अभी थोड़ा सा काम इसमें पेंडिंग है, अभी इसमें पेंट होना है तो वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा। और ये स्टार्टिंग का हमारा पैसेज रहेगा, इसी में बिल्कुल स्टार्टिंग में ये आपको MCB पॉइंट मिल जाता है जो कि आप अंदर से ऑन ऑफ कर सकते हो ईजिली। यहाँ पे भी कुछ स्पेस मिलता है आपको जिसमें कि आप अपना शू रैक लगा सकते हो, कोई पेंटिंग्स या कोई सीनरी आपको लगानी है लेफ्ट राइट में, दोनों तरफ आप इजीली लगा सकते हो। मैं आपको सबसे पहले इसका फ्लोर प्लान समझा देता हूँ। अभी एंटर हो चुके हैं हम अपने लिविंग रूम में, जो कि एंटर हुए हैं पैसेज से सीधा सामने हमारा लिविंग रूम पड़ता है। एक मेरे फर्स्ट लेफ्ट साइड में एक मेरे बेडरूम पड़ता है, एक मेरे राइट साइड में बेडरूम पड़ता है एंड ठीक मेरे सामने हमारी ओपन किचन पड़ती है और ठीक ड्राइंग रूम के सामने ये हमारा कॉमन वॉशरूम रहेगा। तो साइज़ के अगर बात करूं तो अच्छा खासा इसमें लिविंग रूम का आपका साइज़ मिल रहा है। टाइल्स की अगर बात करूं तो क्रीमी फिनिश में इसमें टाइल्स का वर्क यूज़ किया गया है जो कि फ्लैट में और ज़्यादा रोशनी दे रहा है। कस्टमाइज वॉलपेपर का वर्क यूज़ किया गया है, आप देख सकते हो कि राधा कृष्ण जी का इसमें डिज़ाइन दिया है कस्टमाइज में, जो कि काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। और उसी के साथ साथ
यहाँ पे एलईडी पैनल भी वाइट और ब्राउन फिनिश में, इसमें माइका का वर्क यूज़ किया गया है और काफ़ी स्टोरेज के साथ इसमें इसको डिज़ाइन किया गया है। ये नीचे कुछ आपकी ड्रॉर्स हैं, ये ओपन कैबिनेट, ऊपर भी छोटी छोटी लाइट्स का प्रोविजन दिया है। फॉल सीलिंग की अगर बात करूँ तो फॉल सीलिंग भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन में फॉल सीलिंग का इसमें वर्क किया गया और ब्लू कॉप लाइट का भी इसमें प्रोविजन दे रखा है। तो गाइस जो हमारे लिविंग रूम के ठीक सामने हमारी ओपन किचन रहेगी, अब बात करता हूँ किचन की। तो अभी हम अपने खड़े हैं किचन के एरिया में। स्टार्टिंग में सबसे पहले दिखाना चाहूँगा, ये हमारा फ्रिज का एरिया रहेगा जो कि आपका सिंगल डबल डोर इजीली आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले दिखाना चाहेंगे इसका इंटीरियर जो कि किचन का हमने वुडन से इंटीरियर किया है। इसमें छोटी छोटी लाइट्स का देखिए प्रोविजन किया है। इसमें भी आप अपने अपने छोटे छोटे गिफ्ट आइटम्स या कुछ भी आपको सीनरी या जो भी आपको रखना आप इजीली रख सकते हो। ऊपर भी यहाँ पे भी ग्रीन उसमें वुडन फिनिश में यहाँ पे लाइट्स का प्रोविजन दे रखा है जो कि किचन के लुक को और ज़्यादा बढ़ा देता है। यू शेप की आपकी किचन रहेगी जिसमें कि ग्रेनाइट का ऊपर टॉप पे वर्क का वर्क यूज़ किया गया है। सिंकेज एरिया इस साइड में आ गया, टैप्स ऑलरेडी दे रखे हैं और आरओ का भी फिटिंग इसमें हमने करा रखी है। एक्वाफ्रेश का इसमें हम आपको आरओ लगा के दे रहे हैं। कैबिनेट्स की अगर बात करूँ तो काफ़ी सारे इधर ऊपर आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं एंड ये नीचे चैनल्स कि आपकी स्टोरेज के लिए आपको कोई दिक्कत ना हो। नीचे भी ये सारे कप प्लेट और आपके जो भी बर्तन होंगे उसके लिए आपकी काफ़ी अच्छी स्टोरेज है। यहाँ चिमनी का स्पेस है, चिमनी भी हम आपको इसमें लगा के देंगे। लाइट्स की अगर बात करूँ तो छोटी छोटी डिजाइनर लुक में भी ये यहाँ पे लाइट्स का वर्क यूज़ किया गया है। किचन भी आपकी अच्छी रहेगी, अच्छे न्यूली डिजाइन वुडन एंड इंटीरियर का वर्क किया गया है जो कि काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। अब दिखाना चाहता हूँ अपना कॉमन वॉशरूम जो कि ड्राइंग रूम के ठीक सामने रहेगा। तो यहाँ से भी एंटर होते हैं अपने कॉमन वॉशरूम में। तो ये कुछ साइज़ ये रहेगा, अच्छा खासा साइज़ है। इस साइड में आपका रिपोर्ट आ जाता है। गीज़र भी इसमें आपको हम लगा के दे रहे हैं एंड यहाँ पे भी ये विंडो का प्रोविज़न दे रखा है, आपका इजीली यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लग जाएगा। डाइवर्टर फिटिंग ऑलरेडी दे रखी है, शावर भी ऑलरेडी ऊपर लगा रखा है एंड ये वॉश बेसिन और आपका यहाँ पे ये ग्लास हमने लगा रखा है। आपके कुछ भी यहाँ पे आइटम्स रखना है, टॉवल के लिए भी यहाँ भी हैंगर दे रखा है। अब बात करते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, दिखाना चाहता हूँ अपना फर्स्ट बेडरूम। उससे पहले दिखा देता हूँ ये इंटरकॉम की फिटिंग, डायरेक्टली आपके मेन गेट से कनेक्ट है। कोई भी आपके यहाँ गेस्ट आता है, कोई भी बेल प्रेस करता है, इजीली आप यहाँ से गेट ओपन कर सकते हो। अब चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, आइए। तो अभी आ चुके हैं अपने फर्स्ट बेडरूम के अंदर। तो गाइस साइज़ अच्छा खासा साइज़ है, 10x10 का इसका साइज़ रहने वाला है। इसमें भी हम आपको ये अलमीरा लगा के दे रहे हैं, देखिए अलमीरा का साइज़ भी काफ़ी अच्छा आपको साइज़ मिलने वाला है। ऊपर तक आपको स्टोरेज मिल जाती है। अभी इसमें रोड लगना बाकी है जिसमें कि आपके कपड़े हैंग हो जाएंगे इजीली, यहाँ पे भी आपको स्टोरेज मिल जाती है और नीचे ये दो ड्रॉर्स आपको मिल जाती हैं और एक यहाँ पे ओपन आपको स्पेस मिल जाता है। ठीक इस साइड भी आपकी ये अलमीरा का स्पेस रहेगा इसी तरीके का, ये देखिए वॉलपेपर हमने इसमें लगा दिया है। क्लाइंट्स की अगर डिमांड है उसको फुल्ली फर्निश चाहिए, फुल्ली फर्निश भी ऑप्शन है, सेमी फर्निश ऑप्शन दोनों अवेलेबल है। इसमें भी आप रूम में भी देखिए ऊपर भी फैन आपको ब्रांडेड फैन मिलेगा, फॉल सीलिंग कॉपलाइट सारा कुछ आपको इसमें करा के देंगे एंड स्प्लिट एसी की फिटिंग भी इसमें ऑलरेडी दे रखी है। बस आपको एसी इंस्टॉल करना है और आपका जो आउटडोर होगा वो बाहर बालकनी में लग जाएगा। आपने फर्स्ट बेडरूम देख लिया तो अब डायरेक्टली चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। तो आइए, तो यहाँ से हमारा ये मास्टर बेडरूम स्टार्ट होता है। तो एक बार ये साइज़ पे नज़र डालिए, साइज़ रहने वाला है 10x10 का इसका रूम का साइज़ रहने वाला है जो कि काफ़ी स्पेसियस है। अभी इसमें वॉलपेपर का वर्क भी यूज़ किया गया है, देखिए वॉलपेपर भी डिफरेंट डिज़ाइन का एंड फ्लावर ब्लैक फिनिश में किया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अलमीरा दिखाना चाहूँगा, काफ़ी स्पेसियस है। नीचे भी आपको स्पेस मिल जाता है, ये ड्रॉर्स मिल जाती हैं, ऊपर भी आपको स्पेस मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी स्पेसियस एंड वुडन ग्लोसी फिनिश में माइका का वर्क यूज़ किया गया है। हैंडल्स भी इसमें आपको अच्छे साइज़ के दे रखे हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के। बात करता हूँ टाइल्स की, तो क्रीमी फिनिश में टाइल्स हैं। आप देख रहे हो कि इससे ज़्यादा रोशनी और ज़्यादा बढ़ जाती है, जब लाइट का फोकस पड़ता है तो आपका रूम और ज़्यादा लाइट मारता है। अब दिखाना चाहता हूँ अपना अटैच वॉशरूम, ये आपका अटैच वॉशरूम रहेगा। इस साइड में ये आपका पोर्ट आ जाएगा एंड ऊपर लेंटर तक टाइल्स दे रखी हैं। यहाँ पे आपका ये ग्लास और टॉवल के लिए हैंगर दे रखा है हमने यहाँ पे। तो वो दोनों हमारे वॉशरूम स्पेशियस रहेंगे, चाहे वो अटैच हो या कॉमन हो, दोनों स्पेशियस रहेंगे। एंड फॉल सीलिंग की अगर बात करूँ तो इसमें भी कुछ डिफरेंट डिज़ाइन की फॉल सीलिंग करा रखी है एंड ब्लू कॉप लाइट का वर्क कर रखा है और फैन भी ऑलरेडी हमने इसमें आपको दे रखा है। बात करें अगर वेंटिलेशन की तो उसके लिए भी यहाँ पे हमने विंडो का प्रोविज़न दे रखा है, यहाँ पे आपका विंडो एसी इजीली लग जाएगा, उसके लिए भी यहाँ पे स्विच ऑलरेडी दे रखा है पॉइंट। अब चलते हैं अपनी बालकनी में, तो यहाँ से आते हैं हम अपनी बालकनी की तरफ। ये आपकी गाइस बालकनी रहेगी,
एंड यहाँ पे ये आपका टैप दे रखा है वॉशिंग एरिया के लिए, आपकी वॉशिंग मशीन ईजिली यहाँ पे आ जाएगी, उसके लिए भी स्विचबोर्ड ऑलरेडी दे रखा है। तो कुछ इस तरीके का ये आपको स्पेस मिलने वाला है बालकनी का, उधर भी आपको ये स्पेस मिल जाता है, कुछ भी आप अपना स्पेयर पार्ट्स या कुछ भी ख़राब आइटम्स रख सकते हो, और ये स्पेस आपको बालकनी का मिलता है गाइस। देखिए धूप हवा आपको प्रॉपर मिलने वाली है, आप अपने कपड़े सुखाते हो कुछ भी, तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी इसमें हवा और धूप मिलने वाली है। उन सभी फैमिलीज़ के लिए वेलकम है जो बिल्कुल कम बजट में अफोर्डेबल प्राइस में अपना घर ढूंढ रहे हैं, जो लोग काफ़ी दिन से अपना घर नहीं देख पा रहे हैं, बजट नहीं सेट बैठ रहा उनका, तो ये कम बजट का मैं आपके लिए फ़्लैट लेकर आया हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आपको यही, अगर आपका कम बजट है तो मैं इससे भी कम बजट में आपको फ़्लैट दिखा दूंगा। तो गाइस आप सीधे मजेस्टिक होम से ये फ्लैट परचेज कर रहे हो, कोई इसमें ब्रोकर चार्ज नहीं देना, कोई कमीशन नहीं देना, सीधा आप बिल्डर से आप फ्लैट खरीद रहे हो, कोई इसमें आपको फ्रॉड या कोई कुछ आपको धोखा नहीं होने वाला है। जो भी हमारा नेट रेट होगा डायरेक्टली हम आपको वो देंगे, और बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में जो क्लाइंट्स या जो भी फैमिलीज सर्च कर रहे हैं कम बजट में, तो गाइस वही फ्लैट मैं आज आपको ये दिखा रहा हूँ, और हमारी खुद की कंस्ट्रक्शन है। इस बजट में आपको कहीं पूरे मोहन गार्डन में नहीं मिलेगा, और अप टू 90% तक का लोन इसमें हम आपको करा के देंगे, एंड 21,000 रुपीज़ बुकिंग अमाउंट है। आप सैलरीड है या आपका बिजनेस है, जो भी आपकी प्रोफाइल है, आप अपनी प्रोफाइल लेकर आइए और 21,000 रुपये की बुकिंग कराइए। अप टू 90% तक का लोन विद इन 10-15 डेज में इसमें आपको करा के देंगे। और भी हमारे पास नई इन्वेंट्री स्टार्ट है हमारी प्री बुकिंग की, हमारी साइज 2 BHK 3 BHK 20 लाख 21 लाख 25 लाख 30 लाख से लेके 70-75 लाख रुपए तक हमारे पास 3 BHK भी है, और हमारा 2 BHK 21 लाख रुपए से लेके 32 लाख रुपए तक हमारे पास 2 BHK हैं, जो कि मोहन गार्डन की सारी लोकेशन रहेगी। ब्लॉक वाइज सभी साइट्स के जो भी प्राइस होंगे लो एंड हाई रहेंगे। तो गाइस सभी के अकॉर्डिंग हमने फ्लैट डिज़ाइन किए हैं बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, तो एक बारी विजिट ज़रूर करें हमारे ऑफिस मजेस्टिक होम A53 रामा पार्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।